Next is refraction of light. Refraction of light. What is refraction? जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी कि बेंड हो जाती है. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है लाइट तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सपोज दिस इज एन इंटरफेस. इंटरफेस मीन्स द सर्फेस विच सेपरेट टू मीडिया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मीडियम एयर है और इससे इस तरफ यहाँ पर मीडियम मान लीजिए वाटर है. तो ये जो सरफेस है ये दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है. देन दिस सरफेस इज कॉल्ड इंटरफेस. सपोज यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है. एक लाइट रे इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करती है. अब यहाँ जैसे ही ये दूसरे मीडियम में क्रॉस करेगी तो अल्टीमेटली इस ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है, बेंड कर जाती है इस तरह से. दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे है एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे. अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं देन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो ये जो फिनोमिनन है दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, नाउ द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट travel from one medium to another medium. What is the cause of refraction? Cause of refraction kya hai? This is due to change in velocity of light when it move from one medium to another medium. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे मूव करती है तो उस केस में लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है जिसके कारण इसका पाथ डेविएट हो जाती है, ये अपने पाथ से पाथ में चेंज आ जाता है. नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो वेरी फर्स्ट लॉ इज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज. देर इज ओनली चेंज इन देर मे बी चेंज इन द velocity of light as well as wavelength of the light, but there is no change in frequency and phase of the light. During refraction, there is no change in frequency and phase. However, velocity and
वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, फ्रीक्वेंसी और फेज में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, जबकि उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है, बट देयर इज नो चेंज इन फेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। नेक्स्ट थर्ड लॉ इज इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज स्नेल्स लॉ। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, यानी कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस उस मीडियम में बन रहा है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, मीन्स म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या म्यू साइन आई इज कॉन्स्टेंट। सिंपली यहां पर म्यू वन है, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो म्यू इंटू साइन आई इज कॉन्स्टेंट, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है म्यू वन, अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाऊं, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, कॉन्स्टेंट है तो जितने म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अब इस केस में अगर और म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू टू अपॉन म्यू वन कैन बी रिटन एज म्यू टू वन मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो म्यू टू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज स्नेल्स लॉ, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन रिफ्रैक्शन, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। हेयर म्यू टू वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, अगर ये यहाँ पर ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है तो दिस विल बी द म्यू टू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, यानी कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम,
सपोज सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, देन म्यू इज इक्वल टू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू सी अपॉन वी. देन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिटन एज म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी. सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. सो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी. या इफ म्यू वन कैन बी रिटन एज, सपोज वी हैव टू मीडिया, मीडियम वन एंड मीडियम टू, देन म्यू वन कैन बी रिटन एज सी अपॉन वी वन एंड म्यू टू इज इक्वल टू सी अपॉन वी टू. देन वी कैन राइट इट एज म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू सी अपॉन वी वन डिवाइडेड बाई सी अपॉन वी टू विच इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन. और यू कैन राइट इट एज म्यू टू वन इज इक्वल टू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, देन म्यू टू वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन. मीन्स म्यू इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वी. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उसमें वेलोसिटी उसकी लाइट की कम होगी. मतलब इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. ठीक है, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. अब अगर मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसमें से रिफ्रैक्शन लाइट की कैसे होगी. सपोज ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है. नाउ वी हैव टू स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब. ये लाइट रे इंसिडेंट कर रही है. अब क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है और आगे ग्लास है, तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी मान लिया. अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर रिफ्रैक्शन होगी. अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो क्योंकि लाइट अब ट्रेवल कर रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो इसका मतलब इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये इधर बेंड हो जाएगी अपने पाथ से. अब दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. सपोज दिस इज आई वन एंड दिस एंगल इज आर वन. सिमिलरली एट दिस पॉइंट देयर इज अगेन रिफ्रैक्शन. अब ये लाइट रे जो है वो डेंसर टू रेयर एंटर करेगी, तो इसका मतलब इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जब रेयर टू डेंसर एंटर करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और जब डेंसर टू रेयर बेंड करेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो इसका मतलब इधर बेंडिंग हो जाएगी. सपोज दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस पॉइंट, लेट दिस इज आई टू एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज आर टू. अब क्योंकि यहाँ पर पहले रेयर टू डेंसर है और इस पॉइंट के ऊपर डेंसर टू रेयर मीडियम रिफ्रैक्शन है. अगर हम स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, सपोज दिस इज आर पॉइंट ए, देन यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए, तो अगर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं तो ये बन जाएगा म्यू ए इंटू साइन आई वन मस्ट बी इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन आर वन. म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर. या यहाँ से म्यू जी अपॉन म्यू ए बन जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई वन अपॉन साइन आर वन. लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन. नाउ अगेन यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, इस पॉइंट को मैं अगर बी मान लेता हूँ तो बी पॉइंट के ऊपर भी स्नेल्स लॉ यूज करिए. यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी यह आ जाएगा म्यू जी इंटू साइन आई टू, आई टू म्यू जी के अंदर है, यानी कि
ग्लास के अंदर है I2, तो ये बन जाएगा म्यू जी इंटू साइन I2 इज इक्वल टू, आगे फिर रिफ्रैक्टिव, आगे फिर क्योंकि मीडियम एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन म्यू ए है, तो ये बन जाएगा म्यू ए इंटू साइन R2। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से म्यू जी अपॉन म्यू ए अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन I2। इक्वेशन नंबर, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको रहने दो, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ आई प्लेस अ मिरर हेयर, इस पॉइंट के ऊपर अगर एक प्लेन मिरर रख दिया जाए और ये लाइट रे जस्ट नॉर्मली इंसिडेंट करेगी, देन व्हाट हैपन, अगर नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो ये इसी पाथ को रिट्रेस करती है, यानी कि पहले ये इस पाथ से आ रही थी, अब इसी पाथ से ये वापस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब सेम पाथ से लाइट रिवर्स हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर मैं बी पॉइंट के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जब यूज कर लिया, ऑल्सो एट पॉइंट बी यू कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड यूजिंग स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट, देन वी कैन राइट इट एज म्यू ए साइन R2 इज इक्वल टू म्यू जी साइन I2 और म्यू ए अपॉन म्यू जी इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 2 एंड 3, दिस कैन बी रिटन एज म्यू जी ए, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू जी अपॉन म्यू ए, और ये है मेरे पास म्यू ए अपॉन म्यू जी, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी म्यू ए जी। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास म्यू जी ए अपॉन इंटू म्यू ए जी इज इक्वल टू दिस इंटू म्यू जी अपॉन म्यू ए इंटू म्यू ए अपॉन म्यू जी विच इज इक्वल टू 1, यानी म्यू जी ए इंटू म्यू ए जी इज इक्वल टू 1, या फिर म्यू जी ए इज इक्वल टू 1/μAg, यानी कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या मीनिंग हुआ कि इसके अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट आ गई, अगर सपोज ये इंसिडेंट रे है हमारी, ये यहाँ पर इंसिडेंट करेगी, रिफ्रैक्शन होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, इस पॉइंट के ऊपर दोबारा रिफ्रैक्शन होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट रे यूँ चली जाती आगे से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती, तो इसका मतलब फाइनली हमारी लाइट रे इधर से गई, और अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये इधर से जाती, तो इसका मतलब कितनी डिस्प्लेस हो गई ये अपने एक्चुअल पाथ से, कितनी डिस्प्लेस हो गई, क्योंकि एक्चुअल पाथ इसका ये था और अब ये यहाँ से गई, तो किसकी वजह से डिस्प्लेस हुई है, ये जो ग्लास स्लैब हमने इसके अंदर लगा रखा है, इसमें ग्लास स्लैब में से जो रिफ्रैक्शन हो रही है ड्यू टू ग्लास स्लैब, इट डिस्प्लेसिस फ्रॉम इट्स पाथ,
तो इसका मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई, एक्चुअल पाथ ये था, अब ये यहाँ से गई, तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो दिस इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी एन। बी एन इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ से जा रही है, एक्चुअल पाथ इसका ये था और फाइनली ये यहाँ से इमर्ज होकर के बाहर गई। तो इसका मतलब इतनी डिस्प्लेसमेंट हो गई इसके पाथ में, दिस इज़ कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसके लिए हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है, मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी एन। बी एन इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सपोज दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज अवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्योंकि ये इधर से बेंड हो गई, तो इसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी वो ये आ गई, डेल्टा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एंगल की डिस्प्लेसमेंट हो गई इसमें यहाँ से, तो डेविएशन हो गई इसमें, एंगुलर डेविएशन। तो एंगुलर डेविएशन इसमें डेल्टा की आ गई। नाउ क्लियरली आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी एन। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ए बी एन, ये एंगल 90 डिग्री है, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी एन, ए बी एन ट्राइंगल में से मुझे निकालनी है बी एन की वैल्यू, तो ये आ जाएगा बी एन अपॉन ए बी, बी एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन डेल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन गई साइन डेल्टा, या फिर बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन डेल्टा। लेकिन मेरे पास ए बी की वैल्यू अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, इस नॉर्मल को आगे बढ़ा दिया, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बन गया, इसको मैं पॉइंट एम मान लेता हूँ। अब मुझे निकालनी है ए बी की वैल्यू, क्योंकि ए बी की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो एक ट्राइंगल बन रही है मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी, फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए एम बी, ए एम बी में से मुझे चाहिए ए बी की वैल्यू, और मेरे पास सपोज टी इज़ द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, टी इसकी थिकनेस है स्लैब की, तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरे पास नोन है और ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो इस ट्राइंगल में से ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये बेस बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो ये बन जाएगी कॉस आर, ये एंगल आर था मेरे पास, तो ये आ गया कॉस आर। या फिर मुझे चाहिए ए बी की वैल्यू, देन ए बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन कॉस आर, बट ए एम इज इक्वल टू टी, ये वैल्यू थिकनेस थी इसकी, यू कैन राइट इट एज टी अपॉन कॉस आर। या फिर ए बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर, ये अगर इक्वेशन नंबर वन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर टू अज्यूम करूँ, देन फ्रॉम वन एंड टू बी एन, बी एन इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, देन बी एन इज इक्वल टू ए बी, ए बी कैन बी रिटन एज टी अपॉन कॉस आर इन टू साइन डेल्टा, साइन डेल्टा, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, टी साइन डेल्टा अपॉन कॉस आर। अगर हम यहां से देखें तो डेल्टा की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों लाइन के बीच में यहां एंगल था आई, तो बट डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। तो अगर मैं डेल्टा की वैल्यू, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएंगे, आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई, देन डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर, तो अगर ये वैल्यू रख दी जाए, तो बी एन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। बाई नोइंग द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वी कैन कैलकुलेट द एंगुलर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, इस रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। मोस्टली जब आप पानी के अंदर देखते हैं,
तो जो चाहे आप किसी बकेट के अंदर देखिए या फिर किसी तालाब में देखो, तो जो उसकी एक्चुअल गहराई है उसके कंपैरिजन में उसकी गहराई कुछ कम अपीयर होती है। इसका मतलब जो अपीयर होगी उसकी गहराई, जो डेप्थ उसकी अपीयर होगी, दैट इज़ कॉल्ड अपेरेंट डेप्थ, और जो उसकी एक्चुअल डेप्थ होगी दैट इज़ कॉल्ड रियल डेप्थ। जैसे मान लीजिए ये एक इंटरफेस है जो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। इधर हमारे पास सपोज वाटर है, एक बॉडी यहां पर लाई कर रही है। अब अगर हम इस बॉडी को बाहर से देखते हैं, यहां एयर है और इधर वाटर है, तो इसका मतलब ये हो गया जब यहां से निकलने वाली लाइट रे जो इधर जाएगी, जो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, उसमें किसी प्रकार की डेविएशन नहीं होगी, वो सीधे चली जाएगी, इस तरह से बाहर निकल जाएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगी। नॉर्मल इंसिडेंट करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, जीरो। अब लेकिन जो लाइट रे ओब्लिकली इंसिडेंट करेगी इस सरफेस के ऊपर लाइक दिस, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे यहां से निकल रही है अल्टीमेटली इस पॉइंट के ऊपर आकर के रिफ्रैक्शन होगी। अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो अल्टीमेटली दिस लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अगर डेंसर टू रेयर मीडियम मूव कर रही है तो इसका मतलब ये अवे, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा बेंड हो जाएगी इस तरफ, ये इधर चली जाएगी। नाउ क्लियरली दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई है तो ये एंगल भी आई हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रही है, दोनों लाइन पैरेलल लाइन का रोल प्ले कर रही है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का रोल प्ले कर रही है, तो ये एंगल भी आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअली अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ तो ये यहाँ पर नजर आता है और ऑब्जेक्ट है भी यहाँ पर, दिस इज द रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, इधर से अगर इसको देखा जाए, देन व्हाट हैपन, ये लाइट रे मुझे, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ तो ये लाइट रे मुझे इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है। मतलब इस ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर दिखाई देगा क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई अपीयर होगी हमें, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये लाइट रे मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। अब अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और सपोज यहाँ पर एयर है, अगर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1, तो अगर इस पॉइंट के ऊपर, सपोज दिस पॉइंट इज एम, और एम पॉइंट के ऊपर अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज करता हूं, देन यूजिंग स्नेल्स लॉ एट एम, एम पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ अगर हम यूज करते हैं तो ये बनेगा म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, या फिर म्यू इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे वैल्यू निकालनी है साइन आई और साइन आर की वैल्यू, तो अगर मैं ये ट्राइंगल यूज करता हूँ, कौन सा ओ, अगर मैं इस पॉइंट को ए मानता हूँ, ओ ए एम, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। नाउ फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ ए एम, साइन यहाँ से, इसमें से हमारे पास साइन आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन आई इज इक्वल टू, अब क्योंकि साइन आई होगी ए एम अपॉन ओ एम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास बेस बन जाएगा ओ ए, और ए एम परपेंडिकुलर आ जाएगा तो ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास ए एम अपॉन ओ एम। सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल को देखें, ये एक दूसरी ट्राइंगल बन रही है मेरे पास ए आई एम, तो इसमें अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो हैं वो पैरेलल लाइन का रोल प्ले करेंगी और ये
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का रोल प्ले कर जाएंगे तो ये एंगल भी आर बन जाएगा, तो एंगल आई जो है वो एंगल एम के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल आई ए एम दिस कैन बी रिटन एज साइन आर, कैन बी रिटन एज साइन आर इज इक्वल टू, अब इस केस में ये एंगल आर है तो ये बेस का रोल प्ले करेगा और ए एम परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन आई एम। इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 अज्यूम कर लेते हैं। अब 2 और 3 से साइन आर और साइन आई की वैल्यू हम अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं देन म्यू इज इक्वल टू, साइन आर की वैल्यू आई थी मेरे पास ए एम अपॉन आई एम और साइन आई की वैल्यू आई थी ए एम अपॉन ओ एम, तो डिवाइडेड बाई साइन आई है तो ए एम अपॉन ओ एम, यानी ये लिखा जा सकता है ए एम से एम कैंसिल हो गया ओ एम अपॉन आई एम, यानी म्यू इज इक्वल टू ए एम सॉरी ओ एम ओ एम अपॉन आई एम एज दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लोज टू ए, एज एम इज वेरी क्लोज टू ए देन ओ एम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए, ओ एम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए एंड आई एम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई ए, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज म्यू इज इक्वल टू ओ एम मीन्स ओ ए अपॉन आई एम मीन आई ए, ओ ए अपॉन आई ए, क्लियरली वट इज ओ ए, ओ ए इज द रियल डेप्थ, इसको मैं अगर डी मानता हूं और आई ए मुझे अब यहां से ये डेप्थ अपीयर हो रही है तो दिस इज कॉल्ड अपेरेंट डेप्थ, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, अपेरेंट डेप्थ को एक्स मान लिया, रियल डेप्थ डी एंड अपेरेंट डेप्थ एक्स, तो इसका मतलब ये बन गया हमारे पास एक्चुअली ओ एम इज द रियल ओ ए इज द रियल डेप्थ एंड आई ए इज द अपेरेंट डेप्थ, इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ थी डी और अपेरेंट डेप्थ आई मेरे पास एक्स, या फिर इसका मतलब कितना ऊपर दिखेगा तो ऊपर दिखेगा ये डी डी माइनस एक्स, इतना ऊपर इसको अपीयर होगा, जो इसकी इमेज है वो ओ आई तक अपीयर होगी, ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ।